नीति आयोग गवर्निंग काउनसिलिंग षष्ठ बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्बोधन। केवल देश नुहे विदेश को मध्य अनेक प्रकार कृषिजात सामग्री जोगे पारे भारतीय कृषक। देशर प्रगति आवश्यक केन्द्र एवं राज्य मध्य मिलित सहयोग रर क्षेत्र में शक्ति और संभावना को सम्मान देवा उचित। देशर प्रत्येक नागरिक को शक्ति प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत। शनिवार दिन पूर्वाह्नरे अनुष्ठित होइतला नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल रो षष्ठ बैठक। बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित अंचल प्रशासक एलजी एवं विभिन्न केन्द्रमंत्री और अन्य अधिकारी जोग देते। अवसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे उद्बोधन देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। निज उद्बोधन में कृषि और कृषकों विकास को गुरुत्व देते प्रधानमंत्री। भारत को एक कृषि प्रधान देश बोली कहुए ता सत्वे भी 65-70 हजार कोटी टंकार खाइबा तेल आम विदेश आमदानी करुचु आम बंद करथर हकदार होमर कृषक से आकाउंट को यह अर्थ जापर आमको केवल से अनुसार योजना करने को पड़ो प्रधानमंत्री। विगत वर्षगुड़े डाली उपर यार प्रयोग जहाँ सफल हो पार देश क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील होवु खर्च कम हो आम देश में कृषकों पर एपरी खाद्य सामग्री उत्पादन करने आदय कष्टर व्यापार नुह केवल उचित रास्ता देखाइले सेमाने देशर आवश्यकता पूरण करने सहित कृषि उत्पाद को रप्तानी करेंगे। से अनुसार प्रत्येक राज्य आंचलिक स्तर में रणनीति तैयारी करी कृषकों को सहयोग करिबा उचित बोली कहते प्रधानमंत्री। हम कृषि प्रधान देश कहे जाए उसके बावजूद भी आज करीब करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है। लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री एकता मध्य कहिसेंति विगत वर्षगुड़िक गोपालन एवं मत्स्य चाष को गुरुत्व दिया जाइछि जहाँफल कोरोना समय रे मध्य कृषि क्षेत्र में अभिवृद्धि घटी पारिछि। किंतु आमर सामर्थ्य याठारु अधिक रहिछि। आम उत्पादगुड़िक जेपरी नष्ट न हुए सेतिपाई रक्षणबेक्षण एवं प्रक्रियाकरण प्रति मध्य नजर देबाकु पड़िबो। कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। सेहीपरि देशर प्रगति पाई केन्द्र और राज्यर मिलित सहयोग उपरे जोर देइछन्ति प्रधानमंत्री। केन्द्र और राज्य मिलिमिशी कार्य करि आगको बढ़िबा सहित कोऑपरेटिव फेडरालिज्म को अधिक सफल करिबाकु पड़िबो। केन्द्र बजेट सहित ताल देइ राज्य माने निजर बजेट प्रस्तुत करिबा उचित बोली आह्वान देइछन्ति प्रधानमंत्री। देश की प्रगति का आधार है कि केन्द्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। घरोई क्षेत्र में भूमिका एवं आत्मनिर्भर भारत उपरे प्रधानमंत्री कहते देशर विकास यात्रा रे घरोई क्षेत्र एवं आगे आसी घरोई क्षेत्र शक्ति को सम्मान देवा सहित आत्मनिर्भर भारत अभियान रे शामिल करने को पड़े। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत हेउछि एमिति एक पदक्षेप जेउति देशर प्रत्येक व्यक्ति को पूरा शक्ति र सह आगे आसिबाकु सुजोग मिलिबो। आमको केवल आम पई नहे बरम पूरा विश्व पई उत्पादन करबाकु पड़िबो। देशर युवशक्ति को आखि आगे रखी आमको आधुनिक भित्तिभूमि निर्माण, इनोवेशन को गुरुत्व एवं अधिक टेक्नोलॉजी रो प्रयोग करबाकु पड़िबो बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।